नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यूनिट फर्स्ट है, इसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ये फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के, यूपी पॉलिटेक्निक के आईटी एवं सीएस ब्रांच के फर्स्ट सेमेस्टर छात्रों के लिए आज की ये वीडियो होने वाली है। तो सीएस और आईटी का एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, FOC करके, ठीक है। तो उनका एक ये पहला चैप्टर है, यूनिट वन, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। आज मैं आपको उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो जो मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला टॉपिक है इसमें, व्हाट इज़ कंप्यूटर। जैसा कि आप सबको पता है कि कंप्यूटर क्या होता है। देखो, आजकल हर जगह कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, जैसे ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मार्केटिंग, आपके घर में, हर जगह आजकल कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। आजकल जब से कोरोना का पैंडमिक आया है, जब से कोविड आया है, तब से कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन का यूज़ आजकल ज़्यादातर बढ़ गया है। तो आपको पता है कि कंप्यूटर होता क्या? अगर आपको कोई पूछ ले व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आप क्या बताओगे कि क्या होता है कंप्यूटर? आपको चलाना तो आता है, आपको इतना पता है कि कंप्यूटर ये है, आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो एक मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या फिर कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा होता है उसको प्रोसेसिंग करने की एक डिवाइस होती है। डेट कैन टेक इन एन आउटपुट, स्टोर द इनपुट, प्रोसेस इट टू गिव द डिजायर्ड इनपुट। मतलब कंप्यूटर देखो क्या होता है, कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। एक मतलब विद्युत चीज़ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, जिसमें अगर हम, मतलब जो यूज़र होता है वो इनपुट देता है, ठीक है। अब वो इनपुट होता है वो एज अ, मतलब स्टोर होता है, वो स्टोर हो जाता है इनपुट, ठीक है। फिर वो प्रोसेस होता है और वो आपको आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप नीचे ये ब्लॉक डायग्राम देख पा रहे हैं, ये लिखा है कि पहले क्या हुआ, पहले इनपुट दिया यूज़र ने, अब वो इनपुट दिया था, मतलब उसमें जो डेटा था, वो इंस्ट्रक्शन था, उसने अपना काम किया, फिर वो चीज़ वहाँ पे प्रोसेसिंग हुई। मतलब डेटा दिया, फिर वो डेटा यहाँ पे स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद फिर वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद उसमें से जो इन्फॉर्मेशन आनी थी वो निकाल के उनको आउटपुट यूज़र के उस पर दे देते हैं। मतलब इसका फॉर एग्जाम्पल, इसका एक सीधा सा मतलब बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने आपने कैलकुलेटर खोला कंप्यूटर में, और आपने कैलकुलेटर में सर्च किया 2 + 2, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया इनपुट। आपने इनपुट दिया, कंप्यूटर से पूछा 2 और 2 क्या होते हैं, आपका ये जो डेटा है, ये जो इनपुट है आपका, यहाँ पे वो पहले स्टोर होगा, ठीक है। स्टोर होने के बाद फिर वो प्रोसेस होगा, अब जो कंप्यूटर होगा वो अपनी लैंग्वेज में इसको प्रोसेस करेगा, इसको फिर वो अपनी लैंग्वेज में आंसर निकाल के देगा 4। तो वो 4 जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई, वो आउटपुट होकर आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगी, ठीक है। यही हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब आपको कोई पूछे कि कंप्यूटर क्या होता है, आप बता देना कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो यूज़र से इनपुट लेती है और उस इनपुट को स्टोर करके और प्रोसेस करके यूज़र को आउटपुट देती है कंप्यूटर की स्क्रीन के थ्रू, ठीक है। बात करते हैं कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम की, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर आप सामने देख पा रहे हैं, मतलब इसमें स्टोरेज यूनिट होता है और डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होती है। पहले हम डेटा देते हैं, डेटा हमारा इनपुट यूनिट में जाता है, फिर इनपुट यूनिट में जाने के बाद वो स्टोरेज जो यूनिट होती है, वहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज होती है, प्राइमरी स्टोरेज, वो अपना काम करती है, और जो कंट्रोल यूनिट होती है वो कंट्रोल करता है। फिर नीचे अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स होती हैं, फिर वो आउटपुट देता है। मैं आपको जो ब्लॉक डायग्राम है वो मैं पूरा आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इनपुट की। इनपुट डेटा मैंने आपको बता दिया, आपको आउटपुट डेटा भी पता है, ठीक है। ये जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, ALU जो नया इसमें वर्ड आया, ALU क्या होता है, देखो ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसमें क्या होता है, ये अर्थमेटिकल भी, मतलब अर्थमेटिकल भी यूनिट होती है, लॉजिकल भी यूनिट, मतलब मैथ वाली भी होती है, हमें साइन कॉस टेन ये भी होगी, 1 + 2 ये भी होगी। मैं आपको ये सारी जो चीज़ें वो आगे अगले लेक्चर में या फिर आगे आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। ये बस अभी जितना आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है, मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ उतना ही बताने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो आपके क्लासेस लगने वाली हैं आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या आता है हमारा इनपुट। अब जो पीछे ये सारी चीज़ें थी इसको मैं आप आगे समझाता हूँ एक एक करके, ठीक है।
पहली चीज़ इनपुट क्या होता है, देखो द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज नोन एज इनपुट। देखो इनपुट क्या होता है, इनपुट हमारा वो होता है जो डेटा और इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं, जो डेटा जो कंप्यूटर को दिया जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो हमारा इनपुट होता है। मतलब अब इनपुट तो वही होगा ना, जैसे पीछे मैंने एग्जाम्पल बताया टू और टू, आपने टू और टू क्या हो गया, एक डेटा हो गया, आपने इनपुट दिया, इनपुट क्या हो गया, आपने जो डेटा है इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर को दिए कि भाई तू दो और दो पता कितने होते हैं, आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए ना तो आपने इनपुट दी ना, तो अब वही हमारा इनपुट, अब वो कंप्यूटर सॉल्व करेगा उस चीज़ को, तो वो क्या हो गया आपकी इनपुट हो गई। ठीक है, आगे आता है स्टोरेज। तो इट स्टोर्स द डेटा और इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग। स्टोर्स मतलब स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज में जो भी आपका डेटा होता है या फिर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, फिर आता है प्रोसेसिंग क्या होती है। अब नाम आता है प्रोसेसिंग का, तो प्रोसेसिंग देखो कहते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स परफॉर्म्ड टू कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। प्रोसेसिंग हमारा एक स्टेप होते हैं सेट, मतलब प्रोसेसिंग किसी भी चीज़ को प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसिंग एक सेट होता है स्टेप्स का जो परफॉर्म करता है डेटा को इन्फॉर्मेशन में, जो आपने इनपुट दिया आपको आउटपुट लाने के लिए वो स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वो प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, वो सेम प्रोसेसिंग कहते हैं। अब प्रोसेसिंग के बाद आता है हमारा बात आउटपुट की। आउटपुट क्या होता है, अब देखो जो आपने पहले दो और दो डेटा दिया आपका वो तो हो गया इनपुट, अब जो फोर निकल के आया आंसर, जो चार आंसर निकल के आया वो क्या हो गया हमारा आउटपुट। मतलब द प्रोसेस डेटा और द रिजल्ट इन्फॉर्मेशन इज एन आउटपुट। आपने जो कंप्यूटर को इनपुट दिया, आपने कंप्यूटर को बोला भाई हम ए बी सी डी निकाल के दे, मतलब ए बी सी डी सर्च कर, अब उसने जो ए टू जेड जो ए बी सी डी सर्च करके दी वो आपका क्या हो गया, वो आपका आउटपुट हो गया, जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो आंसर निकल के आता है, रिजल्ट जो निकल के आता है। ठीक है, अब बात आती है ए एल यू। इट इज़ एन पार्ट ऑफ सी पी यू। ए एल यू हमारा जो होता है सी पी यू का पार्ट होता है। सी पी यू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब अर्थ ए एल यू हमारा अर्थमेटिक लॉजिक, मतलब ए एल यू जो होता है वो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को। अर्थमेटिकल ऑपरेशन को भी ये परफॉर्म करेगा और ये लॉजिकल ऑपरेशन को भी परफॉर्म करेगा। अगला टॉपिक आता है कंट्रोल यूनिट्स के होते हैं। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट टू एलयू। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, जो ये कंट्रोल करता है डेटा के फ्लो को इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट टू एलयू। मतलब जो स्टोरेज यूनिट में जो भी हमारा हमने इनपुट जो डेटा दिया उसको ये कंट्रोल करता है एलयू और स्टोरेज में। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आपको इसमें आपके जो टॉपिक है आपको उसमें बताना है इनपुट डिवाइस क्या होती है। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस हमारी बहुत सारी होती हैं। इनपुट डिवाइस वो होती है जिससे हम इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड हम टच करके इनपुट देते हैं, माउस हो गया, इमेज स्कैनर, लाइट पेन, बार कोड रीडर, जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर और ट्रेस बॉल। ठीक है, ये हमारी इनपुट डिवाइस होगी। आपसे अगर कोई पूछे तो इनपुट डिवाइस होती है भाई, हमारी इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिनको हम एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ जिनको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारी इनपुट डिवाइस होती है। अब आप बोलोगे कि मॉनिटर, मॉनिटर को भी तुम टच, भाई आप उसकी स्क्रीन जो होती है आप उस स्क्रीन को जो अंदर से बता रहा हूँ आपको जो शो कराता है, आप मतलब जिस चीज़ आप सीधे से समझो, आप किसी चीज़ को अगर किसी के थ्रू मतलब कुछ देते हो, मतलब कोई क्वेश्चन देते हो, क्वेरी देते हो, कोई इनपुट देते हो, तो वो हमारा हो इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड के थ्रू देते हो, माउस वगैरह एटसेट्रा, आप ये सारी इनपुट डिवाइस याद कर सकते हो, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली। अब आपको ये सारी चीज़ें पूछ भी सकता है, कीबोर्ड क्या होता है आपको, माउस क्या होता है, इमेज स्कैनर, लाइट पेन, बार कोड रीडर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, इन सब के एक एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट में, मतलब एफ ओ सी की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे आउटपुट डिवाइस की। देखो आउटपुट डिवाइस हमारी कौन सी होती है, प्रिंटर। प्रिंटर हमारा फॉर्म को प्रिंट करके देता है, मतलब आउटपुट को प्रिंट करके देता है। मॉनिटर हमारा स्क्रीन पर आउटपुट को लाता है। ठीक है, और जो प्लॉटर होता है वो भी यही, प्रोजेक्टर हमारा दीवार पे प्रोजेक्ट जो मतलब वो कराता है, फोकस स्पीकर हमारा गाने सुनाता है, हेडफोन्स में से हमारी आवाज़ आती है, ये सारी हमारी क्या होगी आउटपुट डिवाइस होगी, जो हमें जिसमें से हमें हमारा आउटपुट निकल के आता है। ठीक है, बात आती है हार्डवेयर क्या होता है। देखो हार्डवेयर होता है द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल सीपीयू, मॉनिटर, माउस। हार्डवेयर हमारे जो कंप्यूटर के जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, ऐसा समझो। अब जैसे मॉनिटर हो गया, आप उसको टच कर सकते हो, वो आपका हार्डवेयर डिवाइस हो गया। माउस, सीपीयू, ये सारी हमारी क्योंकि हार्डवेयर डिवाइस हो गई। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर डिवाइस वो होती है जिसको आप मतलब सिर्फ द सेट ऑफ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर डिवाइस हमारा प्रोग्राम का सेट होता है दैट गवर्न्स ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड मेड द हार्डवेयर परफॉर्म द डिजायर टास्क। फॉर एग्जाम्पल विंडो 7, एमएस एक्सेल, ऑटो कैड। एमएस एक्सेल को आप टच कर सकते हो क्या, नहीं, आप उसमें वर्क ही तो कर सकते हो, आप उसको इंस्ट्रक्शन ही तो दे सकते हो, तो वो आपकी होगी सॉफ्टवेयर डिवाइस। अब मेमोरी क्या होती है, इट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन टेम्परली और परमानेंट। देखो मेमोरी हमारी क्या होती है, जो डेटा को स्टोर करे। ठीक है, डेटा को स्टोर दो तरीके से किया जाता है, एक परमानेंटली भी स्टोर किया जाता है, एक टेम्परली स्टोर किया जाता है। हमारी जो मेमोरी होती है वो दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब मेमोरी के बारे में मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊंगा अगली वीडियो में या फिर लास्ट में। ठीक है, कि जो मेमोरी होती है हमारी वो
प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी और टेम्पररी क्या होता है और परमानेंट। देखो टेम्पररी मेमोरी हमारी वो मेमोरी थी जहाँ पे हमने डेटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं, ठीक है। और परमानेंट मेमोरी हमारी वो होती है जहाँ हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे होगी हार्ड डिस्क हमारी होगी, वो हमारी परमानेंटली होगी, ठीक है। और जो हमारी रैम हो गई वो हमारी हो गई टेम्पररी, ठीक है। अब आती बात कैच कैच मेमोरी की होती है। देखो कैच मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी होती है, ठीक है। सबसे छोटी सबसे तेज मेमोरी हमारी कैच मेमोरी होती है। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द प्रोसेसर। ये हमारा इंटरफेस होता है प्रोसेसर और मेन मेमोरी के। ये हमारे सीपीयू में बहुत आवश्यक, मतलब जो मेमोरी होती है ये हर जगह काम करती है, बहुत ज़्यादा यूजफुल मेमोरी होती है, ठीक है। ये बहुत छोटी मेमोरी होती है। कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड प्रोसेसर। देखो जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो साइज और प्रोसेसर पे बेस्ड होते हैं। कंप्यूटर हमारे चार टाइप के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो आप ठीक है, ये सारे चार टाइप के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ मेमोरी की। देखो मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको बताया था पहले। प्राइमरी मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जिसमें हमारे रैम और रोम दोनों आते हैं, ठीक है। मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हमारी वो होती है हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। ये हमारी अलग से जो मतलब ये आती है, हार्ड डिस्क हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उनकी जनरेशन के बारे में। तो देखो बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस कंप्यूटर डेवलप्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम दे आर कैटेगराइज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दो कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो हमारी पांच, मतलब हमारी वो जो जनरेशन है वो पांच टाइप की है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब जैसे कि जब पहले कंप्यूटर था तो पहले कुछ और दौर चल रहा था, कभी ट्रांजिस्टर चलते थे, कभी मतलब आदमी के पास। अब तो आजकल क्या, आजकल जो जनरेशन चल रही है कंप्यूटर में, जो उन जनरेशन में तो आजकल अपने लैपटॉप पीस लैपटॉप को कहीं भी ले जा सकते हो बैग में रख के, ठीक है। तो अब इन जनरेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या थे, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका जो टाइम पीरियड था वो 1951 से 1959 तक चला, ठीक है। 1951 से 1959 के बीच वो चले। इनका जो साइज़ था वो बहुत लार्ज था, मतलब पूरे एक रूम में आ पाते थे, ठीक है। जिनकी जो टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी और जिनकी जो प्रोसेसिंग थी बहुत स्लो थी, मतलब बहुत हल्के थे ये, ठीक है। इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, इनके करेक्टरिस्टिक्स थे मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक टेप्स, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, यूज मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। और इसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। बात करते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की, जिसका जो टाइम पीरियड था 1959 से 1963 तक चला, 1959 से 1963 तक चला, ठीक है। इनका जो साइज़ था वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से थोड़ा छोटा था, स्मॉलर साइज था। इसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो ट्रांजिस्टर पे बेस्ड थी। इसका जो प्रोसेसर था वो फास्टर था, ठीक है। जिसमें करेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे थे, जैसे मैग्नेटिक कोर्ड्स हो गई, मैग्नेटिक डिस्क हो गई, ईजी मतलब जो प्रोग्राम को ईजी मतलब करते थे, ईजी बनाते थे। और इसमें जो लैंग्वेज वो यूज़ होती थी वो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, ठीक है। सेकेंड में हमारी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था और फर्स्ट में हमारी जो लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। बात आती है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की, इसका जो टाइम पीरियड था 1963 से 1975 तक चला, 1963 से 1975 तक चला। जिसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स अब आ गए थे 1963 में, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स की टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की गई थी, ठीक है। जिसका जो साइज़ था वो मतलब स्मॉलर था, जो मतलब जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनसे थोड़ा छोटा था, ठीक है। जिसकी जो प्रोसेसिंग थी वो मतलब सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे थोड़ी वो ज़्यादा थी, थोड़ी सी ज़्यादा थी, 19-20 का अंतर था, इतना ज़्यादा कोई अंतर नहीं आया था, ठीक है। जिसमें मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो मतलब जो मिनी कंप्यूटर थे वो एक्सेसिबल मल्टी मल्टीपल मतलब जो हमारे जो ये वाले जो कंप्यूटर थे एक्सेसिबल मल्टीपल यूजर्स के लिए एक्सेसिबल थे ये वाले कंप्यूटर्स, ठीक है। थर्ड जनरेशन। अब आती है बात फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की, तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हमारे जो वो थे जो आजकल जो आप अपने नॉर्मल कंप्यूटर्स जो होते हैं 1965 में आए थे, जो आजकल चल रहे हैं, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स जो आप देख रहे हो, जिसमें मतलब जो इंटीग्रेशन था वेरी लार्ज स्केल का इंटीग्रेशन था, जिसका साइज़ था मतलब बहुत छोटा साइज़ है, आप जिसको मतलब जो अपने पीसी जो अभी आजकल बोलते हो, जिसमें मतलब जो प्रोसेसिंग है उसकी वो फर्स्ट जनरेशन मतलब सारी जनरेशन से ज़्यादा इसकी प्रोसेसिंग थी, ठीक है। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स था पर्सनल कंप्यूटर्स एंड यूज़र फ्रेंडली माइक्रो प्रोग्राम्स, वेरी फास्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें जो ये हमारे उप्स कॉन्सेप्ट पे बेस आजकल आ रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब जिसमें चल रही है, ठीक है। इसमें जो प्रोग्रामिंग का यूज़ हो रहा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लाइक हमारी पाइथन हो गई, PHP, ये पाइथन वगैरह एटसेट्रा, ये सब जावा वगैरह, ठीक है। बात आती है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की, तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हमारे जो फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी है उस पर बेस्ड है, ठीक है। जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल हमारी आ रही है, ठीक है, वो हमारी फिफ्थ जनरेशन है कंप्यूटर की, जो आजकल फ्यूचर में आने वाली है, ठीक है।
तो जिसमें क्या है, जिसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जिसको आप मतलब सुनने में आ रहा है कि जो मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत जल्दी मतलब मार्केट में आने वाली है। इनके जो कंप्यूटर्स होंगे आप बोल देख ही सकते हो आप, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्यूटर्स होंगे वो पहले जो इस समय के जो प्रेजेंट के कंप्यूटर्स चल रहे हैं उनसे कितने छोटे होंगे, उनसे कितने फास्ट काम कर रहे होंगे। तो एटसेट्रा मतलब यही चीज़ें हैं आपको, ये मतलब ये सारी जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए ये आपके यूपी पॉलिटेक्निक के जो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए या ये मतलब तो सारे टॉपिक्स हैं। अब मैं जो फर्स्ट चैप्टर में अब जो भी कुछ रह गया है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगली वीडियो में मेरे को ये लेके आऊँगा कि प्रिंटर्स क्या होते हैं, कि रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में लेके आऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए मैं आप ताकि आपके मतलब और सारी वीडियोज़ ला सकूँ। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं आपको रिटन नोट्स दे दूंगा, अपने हाथ के बने बनाए नोट्स जो मेरे पास रखे हुए हैं, मैंने बना के रखे हैं आप लोगों के लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत वर्ज़न में मेरे पास नोट्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और कोई भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कंप्यूटर में कोई भी लैंग्वेज हो, किसी से भी कोई रिलेटेड आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपका दिन शुभ हो।